रेखा जैन और आप देख रहे हैं जालौर जन समय न्यूज। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। जालौर में गुरुवार को फिर कोरोना विस्फोट, मिले 31 मरीज। होम क्वारंटाइन प्रबंधक की दृष्टि से जिले की प्रशंसा। शिविर में 35 कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। सियाणा के निकटवर्ती क्षेत्र में गुजरात टिड्डी दल। चौहान की अथक प्रयासों से ग्रामीणों को राहत। थूर में हाइड्रोक्लोरोफाइट का छिड़काव करवाया। अवैध खनन जांच के लिए टीम पहुंची कांडर। कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत सम्मान। युवाओं ने अवाड़ा की सफाई पर किया श्रमदान। और पड़ियाल ने रानीवाड़ा क्षेत्र का किया दौरा। अब समाचार विस्तार से। जालौर में गुरुवार को फिर कोरोना विस्फोट, मिले 31 मरीज। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार गुरुवार को फिर एक बार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का विस्फोट हुआ, जिसके साथ 31 रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, जिसमें जिले के थलवाड़ में 3, कलापुरा में 3, गोलाना में 2, भाद्राजून में 2, गंगावा में 1, कोटड़ा में 5, साधु में 1, वालेरा में 1, पांचोटा में 1, वैसवाड़ा में 1, जोगावा में 1, आहुर में 2, आईपुरा में 2, रामा में 1, सैडवा में 1, लाखुड़ा मेरा 1, गौड़ीजी में 1, जसनपुरा में 1 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आहुर क्षेत्र के 10 गाँव में 17 कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसमें आहुर में 2, कोटड़ा में 5, आईपुरा में 2, गंगावा में 1, भैंसवाड़ा में 1, माधोपुरा में 1, जोगावा में 1, पांचोटा में 1, भाद्राजून में 2, रामा में 1 मरीज पॉजिटिव मिले, जिसमें जिले में जसनपुरा व आहुर में कोरोना के ज्यादा मामले सामने आए हैं। होम क्वारंटाइन प्रबंधक की दृष्टि से जिले की प्रशंसा। सुरेश गर्ग रोडला की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के दिशा निर्देश में आयोजित राज्य स्तरीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जालौर जिले में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता के मार्गदर्शन में होम क्वारंटाइन प्रबंधक को चुनिंदा जिले के रूप में उल्लेखित कर प्रशंसा की गई। वहीं प्रवासियों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, स्क्रीनिंग व सैंपलिंग कार्यो के लिए आहुर उपखंड अधिकारी प्रशांत शर्मा की रणनीति पर संतोष व्यक्त किया गया। शिविर में 35 कार्यकर्ताओं ने किया रक्तदान। राजीव शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 29वीं पुण्यतिथि पर जालौर युवा कांग्रेस द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभारी व राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भाकर ने निर्देशानुसार जालौर युवा केंद्र द्वारा जालौर शहर के जगदम्बा हॉस्पिटल में विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें साइला जालौर शहर आहुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों के 35 कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया। कुयाराम जिनकर उमेदाबाद ने इस मौके पर 47वीं बार रक्तदान किया। इसी मौके पर AICC सदस्य जितेंद्र कसाना, रक्त फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष अरविंद पारंगी, युवा कांग्रेस आहुर के विधानसभा अध्यक्ष दीपिका शर्मा, NSUI के प्रदेश सचिव धीरज गुर्जर, आलासन सरपंच प्रतिनिधि भरत मेघवाल, सोमाराम माली सहित कई लोग उपस्थित थे। सियाणा के निकटवर्ती क्षेत्र में गुजरात टिड्डी दल। ध्यानचंद दादा की रिपोर्ट के अनुसार सियाणा में कावाड़ी माता मार्ग सहित अन्य भागों में टिड्डियों ने पेड़ों को शिकार बनाया। इन दिन में खेतों में फसल काफी कम होने के कारण टिड्डियों ने गुंदे, पीलू व अन्य फलों के पेड़ों पर अपना शिकार बनाया। किसानों ने इस दल को गुजरते हुए देखा तो जोर जोर चिल्लाते हुए बर्तन बजाकर व आग लगाकर आदि जलकर टिड्डियों को भगा दिया, जिससे क्षेत्र में नुकसान होने से बच गया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त है छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। सियाणा में 2 दिन पूर्व जालौर उपखंड अधिकारी चंपालाल जिनगर, BDO भूपेंद्र सिंह जोधा, जिला परिषद सदस्य प्रदीप चौहान की अध्यक्षता में सियाणा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गांव में कर्फ्यू लगा दिया गया, जिसके कारण ग्रामीणों को आटा पिसाने मीठे पानी के लिए पानी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों को इस पीड़ा को देखते हुए
जिला परिषद सदस्य प्रदीप सिंह चौहान ने जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता को आटा चक्की व आरओ प्लांट खुलवाने की मांग की, जिस पर एसडीएम द्वारा उक्त आदेश जारी किए गए एवं ग्रामीणों को राहत मिली। थूर में हाइड्रोक्लोरोपाइड का छिड़काव करवाया रामसिंह सिंह राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती थूर ग्राम में कोरोना महामारी को लेकर कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं पुलिस बीट प्रभारी भजन लाल पीओ नाणाराम गांव के विकास अधिकारी पुष्पेंद्र कुमार ग्रामीणों के सहयोग से थूर की गली मोहल्लों में हाइड्रोक्लोरोपाइड का छिड़काव करवाया। कोरोना जैसी महामारी के चलते 5000 लीटर दवाई छिड़काव करने पर नियंत्रण लिया गया, जिसमें गांव के सक्रिय सदस्यों ने इस मानव सेवा में श्रमदान किया। अवैध खनन जांच के लिए टीम हुई कांदर। जनचंद दलाल की रिपोर्ट के अनुसार अवैध खनन की शिकायत पर जालौर से खनिज विभाग से सहायक अभियंता राजेंद्र चौधरी व खनिज कार्यदेशक जालौर प्रवीण पटेल कांदर गांव पहुंचे। वहीं खनन हुआ उस जगह पर मौका मुआयना कर लोगों से जानकारी ली। उन्होंने बताया कि लीज जमीन की आड़ में लगकर भू माफिया अवैध खनन कर रहे हैं, जहां 2017 की अतिवृष्टि हुई थी तब इसी मार्ग से गांव में बाढ़ का पानी घुसा था। वहीं पास के शमशान घाट भी आई हुई है। ग्रामीणों ने खनिज विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए बताया कि 5 मई को गाँव वासियों ने नदी में अवैध बजरी के डंपर भरते रुका कर विभाग में संपर्क किया। इसी मामले में गाँव वासियों ने 5 मई को जिला कलेक्टर जालौर को ज्ञापन भी सौंपा था। यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ अवैध खनन कर रहा है और अवैध जमीन में खातेदारी जमीन में बिना रेती के अलॉटमेंट करवा के नदी के आड़ में अवैध खनन कर रहा है। कब से कर रहा है ये? 8-10 दिन से। उसके पास लाइसेंस वगैरह है? लाइसेंस हमको कहता है कि खान अलॉट हुई है, परंतु वो खान अलॉट की है उसके अंदर मिट्टी है, नदी है ही नहीं, पूरी मिट्टी निकलती है, तो मिट्टी के अंदर कैसे अलॉटमेंट होती है? और पैसों का खेल है, पैसों के हिसाब से उसने अलॉटमेंट करवाई है। आपने खनिज विभाग को अवगत करवाया था पहले? अवगत पहले नहीं, हमको पता पड़ा तब उनको रिपोर्ट देकर अवगत करवाए। आपने मौके पे यहाँ पे क्या देखा था? मौके पर कोई कुछ नहीं, खड्डे मिले हुए, ट्रैक्टर वगैरह भरते, डंपर वगैरह, हाँ डंपर भरते हुए देखे थे, जैसी पीछे नदी के अंदर। आपने उसको समझाया था मालिक को? हाँ, कुछ कहा था मालिक को? मालिक ने कहा कि मैंने अलॉटमेंट करवाई है, तो अलॉटमेंट करवाई है तो उसके अंदर तो रेती है ही नहीं, रेती वो नदी में से पकड़ा गया है। यहाँ पे कोई अधिकारी आए थे कार्रवाई करने के लिए? कोई पहले अधिकारी नहीं, आज ही आए। बताइए सर, आप कौन से विभाग से हो? खनिज विभाग से आए हैं, जालौर से। एक जांच के लिए आए थे, शिकायत मिली थी खनिज लीज की आड़ में नदी में किए जा रहे खनन को रोकने व अनुसूचित जनजाति की भूमि पर सामान्य जाति के व्यक्ति के कब्जा को बेदखल करने की जांच हेतु। अन्य बिंदु जो हमसे विभाग से संबंधित है वो तो अन्य जांच करेंगे। हमने हमारे खनिज विभाग के हिसाब से जो होती कार्रवाई, जैसे इसका निरीक्षण किया गया है, बाद में पिट भी पाए गए तो उसका नाप वाप ले लिया गाँव वालों के सर के सामने, और गाँव वालों ने एक दो और बिंदु बताए थे, शमशान है पास में, आबादी है, वो सब भी हमने बिंदु डाल दिया है। एक इनका ये कहना था कि बजरी की सैंपलिंग करवाई जाए, उसका भी हमने रिपोर्ट में डाल दिया है, तो आगे संबंधित विभाग को हम इसकी लेटर भेज देंगे सैंपलिंग कराने के लिए। प्रक्रिया का सर क्या है इसमें लीज पर देने की? वो तो पूरे आरएमसी 2017 के रूल्स हैं, खातेदारी भूमि के अंदर। वही तो खेत में दे सकते हैं, खातेदारी भूमि के अंदर। गांव वाले आरोप लगा रहे हैं तो आप मापदंड के अनुसार ही दिया होगा? बिल्कुल मापदंड के। कोरोना योद्धाओं का किया स्वागत सम्मान। पोषाणा से सत्ता खान की रिपोर्ट के अनुसार सायरा क्षेत्र के निकटवर्ती ग्राम पंचायत गुंडवा व पुनावास में भामाशाहों के द्वारा कोरोना योद्धाओं का फूल मालाओं से सम्मान किया गया। वहीं उनके कार्यों की सराहना करके आगे भी इसी कार्य का कार्य करने तथा आमजन को जागरूक करने व कोरोना वायरस के प्रति सचेत रहने की अपील की। इसी अवसर पर सभी कार्मिक उपस्थित थे। इसी दौरान ANM विमला देवी, ग्राम सेवक विकास अधिकारी रामदीप पुनिया, उप सरपंच जोराराम चौधरी, भवरदान चारण, पंचायत सहायक अगर सिंह, पंचायत सहायक आदि का सम्मान किया गया। युवाओं ने आवाड़ा की सफाई कर किया श्रमदान। उमेश सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार जालौर जिले के सातू गांव के युवाओं ने गांव के मुख्य आवाड़ा की सफाई कर श्रमदान किया। गांव में आवारा पशुओं को पानी पिलाने के लिए गांव में बने आवाड़ा को साफ कर उसमें पानी भरा। युवाओं ने बताया कि उनका मुख्य उद्देश्य आवारा पशुओं को साफ पेयजल उपलब्ध कराना है। गांव में विभिन्न सड़कों पर आवारा पशु घूमते रहते हैं और गाँव पशुओं के लिए पेयजल के व्यापक प्रबंध नहीं है, इसके चलते पशु नालियों का गंदा पानी पीने को मजबूर है। इससे इन पशुओं की बीमारी के कारण अकाल ही मृत्यु हो जाती है, जिस पर युवाओं ने अवाड़े की सफाई कर उसमें पशुओं के लिए साफ पानी भरा। परियार ने रानीवाड़ा क्षेत्र का किया दौरा। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार आदिवासी वीर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह परियार ने कोरोना महामारी के चलते रानीवाड़ा क्षेत्र के कागमाला, शिवगढ़, राजपुरा, दातलावास,
किबला जाविया चेकला जसंतपुरा पंचेरी वड़ाभोजा पहाड़पुरा चित्रोड़ी चारा बिलड़ आदि गांवों का दौरा कर कोरोना महामारी के चलते लोगों के हाल जाने तथा जरूरतमंद परिवारों को अपंग वृद्ध विधवा व गरीब तबके परिवारों को खाद्य सामग्री के किट मास्क व सैनिटाइजर वितरित किया। वहीं इसी दौरे के दौरान जसंतपुरा थानाधिकारी शाबिर मोहम्मद को सैनिटाइजर व मास्क भेंट किए। और अंतिम मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार जालौर शहर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय भारत, जय जालौर।